नमस्कार, दिव्य हिमाचल लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूँ मोनिका बंसल और इस समय हम मौजूद है शिमला में। और आज यहाँ पर आपको बताएंगे खासतौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए आज स्पेशल ये हमारा प्रोग्राम है जो घर से बैठकर ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। आज हमारे साथ अध्यापिका जुड़ी है गणित की और उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ये बेहतरीन यह आज हमारा प्रोग्राम है जो बच्चे घर पर ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। किन किन तरह की उन्हें दिक्कतें आ रही हैं वो आज हम आज गणित की अध्यापिका जी से सीधा बच्चों की जो परेशानियां हैं वो जानेंगे। किस तरह का उनका जो आज कोरोना के समय लॉकडाउन के समय किस तरह का इन दिनों रुझान है स्टूडेंट्स का, किस क्या क्या उन्हें सीखने को मिला है आज सब मैम से हम जानेंगे। नमस्कार मैम, सबसे पहले तो दिव्य हिमाचल लाइव में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। सबसे पहले मैं दिव्य हिमाचल लाइव के सारे दर्शकों और दिव्य हिमाचल की टीम का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैम सबसे पहले आपसे आपका परिचय जानना चाहेंगे। हम सब आपके जो स्टूडेंट हैं वो तो आपको बेहतरीन अच्छे से जानते हैं, लेकिन हमारे दर्शक भी आपको इस समय लाइव देख रहे हैं, तो उन्हें आप अपना परिचय दीजिए। हाँ जी, मैं डॉक्टर पुष्पलता शर्मा हूँ, गणित की प्राध्यापिका राजीव गांधी राजकीय चौड़ा मैदान शिमला में पिछले 5 सालों से कार्यरत हूँ। इससे पहले मैंने अपनी सेवाएँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अर्की में दी हैं। इससे पहले मैं 12 सालों तक एक स्कूल लेक्चरर मैथ्स की रही हूँ, स्कूल में भी मैंने पढ़ाया है। हाँ जी, तो लगभग मैं 23-24 सालों से इस अध्यापन से जुड़ी हूँ। देख सकते हैं आप पिछले 12-13 सालों से जिस तरह से मैम ने बताया ये अध्यापन जिस तरह से स्टूडेंट्स को 22 सालों से क्षमा चाहूँगी स्टूडेंट्स को पढ़ाई करवा रहे हैं, खासतौर पे गणित विषय जो रहता है बच्चों के लिए काफ़ी ही, ये जो गणित विषय है कुछ एक बच्चों के लिए काफ़ी ये बोरिंग सब्जेक्ट लगता है और कुछ एक बच्चे जो है वो इससे काफ़ी खौफ करते हैं। जानना चाहेंगे मैम क्या वजह है जो बच्चे हैं वो गणित से दूर भागते हैं, इतने टाइम में आपने कुछ ये नोट किया हो? हाँ जी, ये सबसे बड़ा कारण ये है कि घर से ये शुरू होता है। शुरू में ही पेरेंट्स बताने लगते हैं कि हम तो मैथ्स में बड़े कमज़ोर थे। ये बात जो है बच्चों के मन में नहीं बिठानी चाहिए। बच्चों को ये बताते हैं कि हम मैथ सब्जेक्ट बहुत टफ है। अगर शुरू में ऐसे ही बता देंगे कि मैथ सब्जेक्ट बहुत टफ है तो उनके दिमाग में ये बात बैठ जाती है और फिर वो दिमाग जो है मैथ्स के प्रति, वो बच्चा जो है मैथ्स का उसको फोबिया हो जाता है। तो इसलिए मेरा पेरेंट्स से आग्रह है कि बचपन से ही बच्चों के मन में ये भय पैदा मत करें कि मैथ्स जो है टफ सब्जेक्ट है। मेरे अनुसार मैथ से इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कोई नहीं है, हमें इसको एक गेम की तरह लेना चाहिए। मैं एक एग्जांपल के तौर पे इसका उदाहरण मतलब बताना चाहूँगी कि एक बार किसी ने, एग्जांपल है ये, उदाहरण है कि 7th की क्लास को उसमें 60 स्टूडेंट्स थे, दो ग्रुप्स में बांट दिया। तो पहले 30 ग्रुप्स को कहा गया कि ये क्वेश्चन 10th क्लास का है और ये बहुत टफ है, आप स्टूडेंट्स नहीं कर सकते हो इसको, टीचर ने कहा। तो स्टूडेंट्स बिठा दिए उस क्वेश्चन को करने, तो हार्डली 4-5 बच्चे उस क्वेश्चन को कर पाए। और दूसरा ग्रुप जो था उनको कहा गया कि ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, 5th क्लास का है, स्टूडेंट्स थे 7th क्लास के और आप सब कर सकते हो। तो एक रिजल्ट आया सामने कि 30 में से 28 स्टूडेंट्स ने उसको हल कर दिया, जबकि पहले ग्रुप में जो बच्चे थे वो काफ़ी इंटेलिजेंट थे। पर देखिए बात कहाँ से, उनके मन में पहले ही भर दिया कि मैथ्स का ये क्वेश्चन बहुत टफ है। तो इसलिए प्लीज़ मैथ्स के प्रति ये फोबिया छोड़ दें। और दूसरा ये है, हम टीचर्स इसी सब्जेक्ट को, टीचर का भी योगदान रहता है इसको टफ बनाने में, हम ही इसको टफ बना देते हैं। हमें इसको व्यवहारिक दिनचर्या, अपनी दिनचर्या से जोड़ के इसको पढ़ाना चाहिए, इंटरेस्टिंग मतलब बनाना चाहिए इस सब्जेक्ट को, इसको एक गेम की तरह। मैं पूरे गर्व से कह सकती हूँ कि मैं ऐसे ही करती हूँ अपनी क्लास में कि बच्चों में ऐसा माहौल पैदा कर देती हूँ, प्रत्येक बच्चे में, चाहे वो 250 की क्लास भी रही है मेरी, प्रत्येक बच्चे को अपना बच्चा समझती हूँ पूरे प्यार से उनको, और प्रत्येक में मन में ये करती हूँ कि आप कर सकते हो। एक बार अर्की कॉलेज की बात है, मैं यहाँ बताना चाहूँगी, तो वो स्टूडेंट BA 2nd ईयर में हो गया था और +2 में उसने मैथ्स नहीं लिया था, पर वो मेरी क्लास में चुपके से बैठ जाता था और बोलता था मैम मैं सीख रहा हूँ मैथ्स, क्या मैं रख सकता हूँ?
तो और अभी पीछे एक और संजौली कॉलेज का बच्चा आया, मैम मैंने चौड़ा मैदान में आके आपकी बहुत सारी क्लासेस लगाई हैं, तो मेरी प्रॉपर्टी जो है मेरे बच्चे हैं, मैं इन बच्चों को अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ, बस मेरा पैशन जो है वो टीचिंग है, मैंने ये अब छोड़ दिया है, मुझे कोई कुछ बोले मैं तो बोर्ड लेके अपने कमरे में खड़ी हो जाती हूँ। तो इस कोरोना काल में मेरे को एक दिन भी भय नहीं लगा कि कोरोना से इतना बड़ा संकट है इस टाइम, पर फिर भी मैं अपने काम में बिजी हूँ बच्चों के साथ। और मैं कोरोना से रिलेटेड भी थोड़ा सा, हाँ जी, ये मैम जिस तरह से बहुत सराहनीय हम कहेंगे कि जिस तरह से मैम इन दिनों जिस तरह से हर कोई आजकल कोरोना के खौफ से घरों में बैठ गया है, और मैम आपने जिस तरह से उन्होंने बताया कि टीचिंग इनका फैशन है, ये स्टूडेंट्स को मन से जिस तरह से पढ़ाई कराती है, उनके ऑनलाइन स्टडी करवा रहे हैं, तो मैम आपसे जानना चाहेंगे कि इन दिनों जब से ये लॉकडाउन जैसी स्थिति हिमाचल में लगी है, काफ़ी बच्चों की जो शिक्षा प्रभावित ना हो इसके लिए शिक्षा विभाग भी चिंतित है, आपने अपने स्तर पर किस तरह से अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाई इन दिनों करवा रहे हैं आप? हाँ जी, मैं सबसे पहले तो हिमाचल सरकार के मुख्य मतलब हिमाचल सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के डायरेक्टर साहब, पूरी शिक्षा विभाग का धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने ऑनलाइन क्लासेस खेलते रहते हैं उनसे हमने हटा के इस तरफ लगाया है, तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। हमने बच्चों को मतलब इससे बच्चे जो हैं इन टच हो गए हैं, हम भी बच्चों के साथ बिजी हैं, बच्चे हमारे साथ बिजी हैं, पेरेंट्स भी इससे खुश हैं, और बच्चों का एकेडमिक लॉस नहीं हुआ। इसके लिए मैं पूरा मतलब शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और रही बात मेरी, तो जब से लॉकडाउन बंद शुरू हुआ है तब से मैं बच्चों के साथ इन टच हूँ। मैं बच्चों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और मेरा अपना मैथमेटिक्स डेली चैनल है, उससे मैं लगभग 600 स्टूडेंट्स से जुड़ी हूँ। इस अब तक मैं 100 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। मैं अपनी मर्जी से वीडियोस नहीं बनाती हूँ, बच्चों की प्रॉब्लम्स रहती हैं उस टॉपिक पर बनाती हूँ। तो इस तरह से मैंने कोई 14 डिफरेंट सब्जेक्ट्स पेपर्स कवर किए हैं। इससे पेपर्स का मतलब जो मैथ्स के अलग अलग पेपर्स होते हैं उसके मतलब अलग अलग तरह के बच्चे क्वेश्चन देते हैं, इससे बच्चों को मतलब बहुत फ़ायदा हो रहा है। साथ में मैं एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करवा रही हूँ, और मैं पिछली बात बताऊँ, मैं एमएससी एंट्रेंस टेस्ट के कुछ क्वेश्चन बच्चों को क्लास में करवाती हूँ। पिछली बार हमारे 8 स्टूडेंट्स HPU हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में उनको मतलब एडमिशन मिली है एमएससी करने के लिए, तो वो बच्चे मेरे साथ इन टच है, कुछ बच्चों ने नेट सेट किया है जो पहले से हैं। तो ये मेरी प्रॉपर्टी है, और मैं बच्चों को बहुत मतलब इनक्रेज करती हूँ कि मैथ्स की इस लीगेसी को आगे बढ़ाएं। जिस तरह से मैम आपने बताया कि आप स्कूल में भी बच्चों को पढ़ाती आई हैं, कॉलेज से पहले आप स्कूल में ही पढ़ाती आई हैं, तो मैम एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अब छोटे बच्चे हैं जिन्हें अभी इतनी समझ भी नहीं होती है, उन्हें समझाना पड़ता है, जिस तरह से क्लासरूम में एक माहौल बनाया जाता है, अध्यापक का ये काम रहता है, तो अब घर पे जिस तरह से कहा तो गया है कि हर घर अब पाठशाला है, तो क्या लगता है मैम उन छोटे बच्चों के बारे में हम जानना चाहेंगे जो गणित विषय को सीख रहे हैं अभी, तो उनको किस तरह की दिक्कतें आ रही है घर पर ऑनलाइन स्टडी करते हुए? हाँ, छोटे बच्चों के लिए तो थोड़ा मतलब बड़े बच्चों के लिए तो इफेक्टिव है, छोटे बच्चों के लिए भी पेरेंट्स को साथ में बैठना होगा, छोटे बच्चों की और कर भी रहे होंगे पेरेंट्स उनकी मदद। तो छोटे स्टूडेंट्स जो हैं तो उनको मतलब टीचर को भी छोटा बच्चा समझ के रोज का मतलब एक साथ ही बहुत ज़्यादा बर्डन ना डाल दें, थोड़ा थोड़ा करके सिखाएं, हार्डली मतलब आधा घंटा इस पे लगाएं और बड़े प्यार से, और उनको एक क्वेश्चन रोज का करने को दें ताकि वो बच्चे फिर समझ पाएं, मतलब आराम से करवाएं, धीरे से। देख सकते हैं आप किस तरह से मैम ने यहाँ पे एक सुझाव दिया है, खासतौर पे जिनके छोटे बच्चे हैं, अभिभावक हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा यहाँ सुझाव दिया है कि बच्चों पे किसी तरह का बर्डन नहीं डालना चाहिए, उन्हें थोड़ा थोड़ा करके जो कार्य है खासतौर पे पढ़ाई से रिलेटेड, गणित से रिलेटेड कई विषय ऐसे रहते हैं जिनमें बच्चों को काफ़ी दिक्कतें आती हैं, तो उन्हें मैम ने साफ कहा है कि किसी तरह का भी खौफ बच्चों के मन में नहीं डालना चाहिए। मैम एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आप इन दिनों आपने बताया कि वीडियो के माध्यम से आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, तो क्या कुछ बच्चों की भी क्वायरीज आती हैं, तो आप किस तरह से, क्या कुछ चुनौतियां आपको मिली हो इन दौरान? हाँ जी,
उनकी क्वेरीज के अनुसार ही मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। मुझे बच्चे जो हैं वो अपनी प्रॉब्लम फ़ोन के मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हैं और अपना पर्सनली भी पूछ लेते हैं मुझसे, और मेरा जो मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल है उसमें भी अपनी प्रॉब्लम डाल देते हैं। जैसे वो करते हैं तो फिर मैं अपना ये जो है मैथमेटिक्स डेली यूट्यूब चैनल उस पर मैं अपनी वो वीडियो डाल देती हूँ। एक और चीज़ मैम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अब जो घर पे बैठे आपके स्टूडेंट्स हैं आपको देख रहे होंगे, या फिर जिन लोगों को आप कुछ ऐसे टिप्स देना चाहेंगे इस समय लाइव के माध्यम से, आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ एक गणित के जो टिप्स रहते हैं वो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, आप कुछ ऐसे टिप्स देना चाहेंगे जिस तरह से आपने बोर्ड भी यहाँ पर लाया है स्टूडेंट्स के लिए जो काफ़ी हेल्पफुल रहे? हाँ जी, मैं यहाँ क्वेश्चन करके भी दिखाऊंगी, और सबसे बड़ा जो है मैथ सीखने का वो है प्रैक्टिस। जो भी कुछ है मतलब मैथ्स इतना अच्छा सब्जेक्ट है, इतना प्यारा सब्जेक्ट है, सबसे बड़ा टिप जो है इसका, फर्स्ट नंबर से मैथ से प्यार करो। जिस चीज़ को हम प्यार करते हैं वो ऑटोमेटिकली हमें आ जाती है। प्यार कैसे होगा, हमें इसका हमारे टीचर जो हैं जो इनको बेसिक्स मतलब सिखाते हैं, जो बचपन में मैथ्स का टीचर, मतलब वैसे तो हर टीचर अच्छा होता है पर टीचर को अपना बच्चा समझ के इनको पढ़ाना चाहिए, बच्चों के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। रही बात हमारी, तो इनमें भी शुरू में सारे बेसिक्स क्लियर हों और फिर उससे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्रैक्टिस करें। बस मैथ्स का मेन जो मतलब है कि कोई प्रॉब्लम नहीं रही इसमें, वो प्रैक्टिस से ही जाती है। ऐसे सोचे कि नहीं समझ आ गया हम कर लेंगे तो नहीं हो पाता है, इसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत रहती है। मैं अपनी बात करती हूँ, जब मैं बीएससी करती थी, मैं अपनी प्रेज नहीं कर रही हूँ, मैं बच्चों को बताना चाह रही हूँ, तो मेरी रिफल रोज़ की एक ख़त्म हो जाती थी और मेरी ये उंगली जो थी वो घिस गई थी, तो मैं इसमें कॉटन लगाती थी, तो मेरा मतलब इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। देखो मैं स्कूल में भी रही, मैं कॉलेज में आई, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई पढ़ने में, क्यों नहीं आई, मैं पूरा ए टू जेड अपना सिलेबस कर लेती थी उन दिनों ही। तो मेरा मतलब टिप्स यही है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, बेसिक्स क्लियर करो, लर्न करने की कोशिश ना करो, क्रैमिंग इसमें नहीं चलती है, बस इसमें ऑटोमेटिकली एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप आता जाता है, बस एक गेम की तरह इसको अपनाना होता है। एक गेम से कम ये सब्जेक्ट नहीं है, मैं कहती हूँ सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है तो वो मैथमेटिक्स। मैम कुछ आप बताना चाहें अपने स्टूडेंट्स को किस तरह से वो एक सम, आपको जिस तरह से आप बता रही है कि आप ब्लैक बोर्ड में भी कुछ करेंगे? हाँ जी, मैं करती हूँ क्वेश्चन जी। जी आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी मैम जो है वो अपने स्टूडेंट्स को जिस तरह से वो पढ़ाते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे मैम दिखाएंगे कि किस तरह से वो इन दिनों ऑनलाइन स्टडी करवा रहे हैं। हाँ जी, मैं ये क्वेश्चन ले रही हूँ, ये है डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स का, ये भी बच्चों की प्रॉब्लम रही है, थोड़ी देर पहले बच्चों ने पूछा था। क्वेश्चन क्या है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस सेवन डी वाई डी एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, ये क्वेश्चन है, मैं इस तरह से करवाती हूँ। तो सबसे पहले स्टूडेंट कैसे करोगे इसको, हर क्वेश्चन को सेकंड, ये जो है ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, सबसे पहले आप लिख लीजिए इसको, गिवन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन लेट इट बी वन। नाउ आफ्टर दिस व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ वन। What is this? Dy by dx, it is the differential operator and it is square, therefore you have to write d square y minus dy by dx is 7 this d y plus 6 is equal to, this is 6y is equal to 0, and it implies now y is common, take it out, d square minus 7d plus 6 y is equal to 0. Now students, after this you have to write auxiliary equation. Now auxiliary equation is, you have to take this one is equal to 0, not y. D square minus 7d plus 6 is equal to 0. Now see,
दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ सॉल्व इट. नाउ हाउ विल यू सॉल्व इट? यू हैव टू मेक द फैक्टर्स, यू हैव टू टेक टू नंबर्स. वो सम इज -7 एंड प्रोडक्ट इज 6. व्हाट आर द नंबर्स? -6 और -1. ऑल ऑफ यू नो d स्क्वायर माइनस सिक्स डी माइनस डी प्लस सिक्स इज इक्वल टू 0. Now students, after this, you have to take D common. ये बिल्कुल basic सा question है, ये सारा आपको पता है. Minus one, take it out, you will get this. Now it implies D minus six into D minus one is equal to 0. Now see students, you are getting this one. Now after this, you have to solve this for D. Either this is 0 or this is 0. If it is 0, it implies what students? Either D is equal to 6 or D is equal to 1. Right? Now, the complete solution is what? No. यहाँ देखिए दो roots हैं, real हैं. तो इसका solution क्या होता है? सब सिखाया आपको पहले. C1. E raised to power 6x plus C2 E raised to power x. तो इस तरह से हमने second order ये जो है differential equation solve की. अब इसके बाद students आप ऐसे ऐसे 1000 questions खुद कर सकते हो. ठीक है, थैंक यू. जिस तरह से देख सकते हैं आप, मैम ने स्टूडेंट्स के लिए ये क्वेश्चंस पूरी तरह से यहाँ पर हल करके बताया है. काफ़ी ही हेल्पफुल ये बच्चों के लिए हो सकता है. मैम एक और चीज़ आपको आपसे जानना चाहेंगे अब कि जिस तरह से अब ऑनलाइन स्टडी आप चल रही है, क्या लगता है आने वाली स्थिति जिस तरह से कोरोना के खौफ के वजह से ले लिए लॉकडाउन और कर्फ्यू जैसी स्थिति है, बच्चे स्कूल बंद है, पूरे शिक्षण संस्थान बंद है, बच्चों को घर पर ही पढ़ाई करवाई जा रही है, तो आने वाले दिनों में क्या लगता है कि बच्चों की प्रभावित हुई है इससे शिक्षा? हाँ जी, ऑनलाइन क्लासेस और एक्चुअल जो वर्चुअल और एक्चुअल क्लासेस में बहुत फ़र्क होता है. क्लास में तो हम बच्चों से सीधा इंटेक्ट कर सकते हैं, क्लासरूम टीचिंग को हम वर्चुअल टीचिंग से रिप्लेस नहीं कर सकते. पर जब कोई चारा ना हो, जब हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो हम इससे भी काम थोड़ा बहुत चला सकते हैं. दिक्कतें तो आएंगी, कभी बच्चों का नेट नहीं होता है, पर मैंने बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप पे बोला है कि जब भी नेट खत्म हो कुछ भी मैम को बोलिए, मैं रिचार्ज करवा दूँगी. तो ऐसे बच्चे बहुत हेजिटेट करते हैं, पर फिर भी जब ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो बच्चे करवा लेते हैं. मैम तो ऐसी दिक्कतें आती हैं, तो क्लासरूम टीचिंग को नहीं कर सकते, पर फिर भी थोड़ा बहुत काम हम चला सकते हैं, बच्चों को बिजी रख सकते हैं, एकेडमिक लॉक्स होने से बच सकता है. मैम एक आपका जो अहम रहेगा सवाल, जिस तरह से बच्चे इन दिनों घर पे हैं, घर से पढ़ाई कर रहे हैं, अधिकतर ये भी देखने में आ रहा है कि बच्चों की जो आंखें हैं वो ख़राब हो रही है ऑनलाइन स्टडी जिस तरह से वो कर रहे हैं, मोबाइल का अधिक उपयोग कर रहे हैं, कंप्यूटर का अधिक उपयोग कर रहे हैं, तो आप उन्हें कोई सुझाव देना चाहेंगे कि वो अपने बॉडी को भी हार्म ना करें और स्टडी भी उनकी अच्छे से चल सके, कुछ सुझाव इस तरह के आपके रहेंगे? हाँ जी, तो बच्चों को मतलब इन दिनों अपना ये जो है खान पान भी पौष्टिक रखना होगा. पेरेंट्स को देखना होगा कि बच्चों को जो मतलब आंखों की रोशनी को जो चीज़ें बढ़ाती हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन ई, दूध वगैरह, अंडा, सब कुछ बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा दें. और दूसरा ये है कि बच्चों को कम से कम और चीज़ों पे, जैसे ऑनलाइन स्टडी करा रहे हैं बच्चे, और भी बहुत कुछ देखते रहते खुशी से, कोई गेम्स खेल रहे हैं, कोई कुछ भी, तो उनसे हटा के ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बच्चों के ऊपर केंद्रित करें और चीज़ों में बिजी करें. और जो भी मतलब फ़ोन पे जो स्टडी का हार्डली कितना टाइम रहता है, 1-2 घंटे बच्चा करता है, तो छोटे बच्चों को ज़्यादा प्रभावी मतलब रहता है, तो पेरेंट्स उनके साथ बैठें और करें. और बड़े बच्चों को भी अपनी डाइट और दूसरे फ़ोन पे मतलब ऑनलाइन जैसे फेसबुक पे रहते हैं, व्हाट्सएप पे रहते हैं, चैट करते रहते हैं, उसको कम करें, गेम्स में खेल लें और ये अपना चलाएं. और दूसरा, जब भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर्स को ज़रूर दिखाएं अपनी. हाँ, प्रभावित हो रही है इन दिनों ज़्यादा, अपनी भी हो रही है, मेरी भी हो गई है. जी मैम, ये अहम और आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि जिस तरह से इन दिनों बच्चे घर से पढ़ाई कर रहे हैं, और जिस तरह से अगर स्थिति अब सामान्य रहती है तो अब स्कूल भी खुल सकते हैं आने वाले दिनों में, तो क्या लगता है आपको, क्या बच्चे अब स्कूल आएंगे तो क्या मुश्किल रहेगा, एक चुनौती रहेगी शिक्षा जो अध्यापक है उनके लिए भी, कि दोबारा से वो माहौल स्टार्ट करना, अभी घर से बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, क्या कुछ इस समय चुनौती आ सकती है अध्यापकों के सामने? हाँ जी, ये कोरोना जो है बहुत बड़ी चुनौती है इस टाइम. चुनौती तो रहेगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा,
और इतने टॉयलेट्स नहीं है, बच्चे सेम टॉयलेट वगैरह यूज़ करेंगे तो बार बार वो साफ करवाना पड़ेगा। मेरा मतलब इस टाइम जब तक ये थम नहीं जाता तब तक बच्चों को स्कूल बुलाना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ जी, कि इस टाइम मतलब जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, अब बच्चे तो बच्चे हैं, वो थोड़ी गले मिले बिना रह सकते हैं, हम बड़े तो सुनते हैं, बच्चों को आप चाहे कितना समझाओ वो तो एक दूसरे से जरूर चिपकेंगे। तो मतलब एक ही सॉल्यूशन है, जब तक ये थम नहीं जाता तो बच्चों को पहले, मतलब जान है तो जहान है, तो तब तक बच्चों को मतलब स्कूल तब तक खुलने नहीं चाहिए जब तक ये थम नहीं जाता। चाहे कितने भी हम प्रिकॉशंस लेते हैं, बच्चे फिर भी एक दूसरे से चिपकेंगे जरूर। वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना करवाना एक टीचर के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, या फिर इवन ऑड करके मतलब कम कम बच्चों को बुला सकते हैं, मतलब थोड़े थोड़े बच्चे को बुलाएं और फिर तब चल सकता है। मैम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आज जिस तरह से हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो। मैम कोई अपील, कोई मैसेज आप अपने स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे, समाज को देना चाहेंगे दिव्य हिमाचल लाइव के माध्यम से? हाँ जी, ये आजकल इस कोरोना वैश्विक महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है। हमारी सरकारें और जैसे सारी राज्य सरकारें और ये केंद्रीय सरकार जिस मतलब तत्परता कर्मठता से इस संकट से निजात पाने की कोशिश कर रही है वो पूरे विश्व में सराहनीय है। मैं सबसे पहले तो इन सभी कोरोना योद्धाओं, डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी, पुलिस और सब जो भी लगे हैं इस काम में, आप मीडिया कर्मी, सबका मतलब हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करती हूँ। और उनको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि वो अकेले नहीं हैं इस समय, वो उनके साथ 135 करोड़ देशवासी, उनके परिवार और उनके साथ हैं। और मैं प्रधानमंत्री महोदय जी के नेतृत्व की भी बहुत सराहना करती हूँ, उनके साथ पूरा इस टाइम मतलब देश का हर एक नागरिक योद्धा की तरह अपनी सहायता देने के लिए तत्पर है। बहुत शुक्रिया मैम। दिव्य हिमाचल लाइव में इसी तरह बने रहिए, हम आपको न्यू अपडेट्स इसी तरह आपके साथ साझा करते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।